सम नेचुरल फेनोमेना यानी कि कुछ प्राकृतिक गतिविधि। चैप्टर 15 है, क्लास 8। इन क्लास सेवन में यू रीड अबाउट विंड्स, आपने हवा के बारे में पढ़ा होगा, तूफान के बारे में पढ़ा होगा, या उससे बड़े जो तूफान होते हैं उनको साइक्लोन्स बोलते हैं, उनके बारे में पढ़ा होगा। यू लर्न डैट साइक्लोन्स कैन कॉज अ लॉट ऑफ डैमेज, आपने ये भी पढ़ा था कि जो बहुत तेजी जो बवंडर होते हैं, बड़े बड़े साइक्लोन्स होते हैं, वो बहुत ज़्यादा तबाही मचाते हैं हमारी ज़िंदगी में भी, और हमारी प्रॉपर्टी जो हमारी जो ज़मीन जायदाद होती है उन पर भी। यू ऑल्सो लर्न डैट वी कैन प्रोटेक्ट अवर सेल्फ, हम अपने आप को बचा भी सकते हैं इन सब फेनोमेना से, बहुत हद तक, काफ़ी हद तक, टू सम एक्सटेंट। इन दिस चैप्टर वी शैल डिस्कस, इस चैप्टर में हमें डिस्कस करना है कि टू अदर डिस्ट्रक्टिव नेचुरल फेनोमेना, साइक्लोन्स के अलावा दो अलग जो डिस्ट्रक्टिव फेनोमेना, जैसे कि एक लाइटनिंग जिसमें जो बिजली कड़कने को बोलते हैं, और अर्थक्वेक मतलब भूकंप को बोलते हैं। वी शैल हमें ये भी डिस्कस करना है कि व्हाट स्टेप्स वी कैन टेक टू मिनिमाइज डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय दिस फेनोमेना, इन जैसे कि जो लाइटनिंग है, बिजली कड़कना है, और जो धरती का हिलना है, उसको हम कैसे कम कर सकते हैं, ये भी हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। लाइटनिंग मतलब जो बिजली कड़कने को बोलते हैं, यू माइट हैव सीन स्पार्क्स, आपने स्पार्क, जैसे कि हम करंट में स्पार्क देखते हैं, वैसे ही आपने स्पार्क देखे होंगे, जो कि भाई किताब जो हमारे स्पार्क्स होते हैं ना, जैसे स्पार्क करते हैं ना तारों में, ऑन ए इलेक्ट्रिक पोल व्हेन वायर्स बिकम लूज, जब आप जो स्पार्क देखते हो तारों के बीच में, जब आपके आसपास, घर के आसपास जो बिजली खंभे होते हैं उनमें भी आपने स्पार्क देखा होगा। दिस फेनोमेना इज़ क्वाइट कॉमन व्हेन विंड इज़ ब्लोइंग एंड शेकिंग द वायर्स, और ये जो स्पार्क होता है वो कॉमन जब होता है जब कोई हवा चल रही हो और उस टाइम पर तार आपस में टकरा रहे हो एक दूसरे से, उस टाइम पर ज़्यादा ही कॉमन होता है, वैसे लाइट भी जाती है ऐसी मौसम पर, लाइट भी ज़्यादातर जाती है। यू माइट आल्सो हैव सीन स्पार्क्स व्हेन प्लग इज लूज इन इट्स सॉकेट, आपने स्पार्क को बिजली के जो सॉकेट होते हैं उनके अंदर भी देखा होगा, जब उसके अंदर जो ढीले रह जाते हैं, जब प्लग ढीले रह जाते हैं, तब उस टाइम पर भी। लाइटनिंग इज आल्सो एन इलेक्ट्रिक स्पार्क, और जो बिजली कड़कना होता है वो भी एक इलेक्ट्रिक स्पार्क ही होती है, बट ऑन ए ह्यूज स्केल, देखो आप जो स्पार्क होता है वो होता है बिकॉज ऑफ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल आपस में जब टकराते हैं तब वो स्पार्क बनते हैं, वैसे ही सेम स्पार्क जब नेगेटिव और पॉजिटिव आपस में टकराते हैं तब वो सेम स्पार्क जनरेट करते हैं, जिसको हम लाइटनिंग कहते हैं। ये अभी पढ़ेंगे हम, जब क्लाउड होता है उसके अंदर दो प्रकार के क्लाउड होते हैं, एक पॉजिटिव क्लाउड होता है, एक नेगेटिव क्लाउड होता है, ये दोनों आपस में जब रबिंग करते हैं आपस में तो वो एक लाइटनिंग जनरेट करते हैं, बिजली कड़कती है उनमें। इन एंशियंट टाइम्स पीपल डिड नॉट अंडरस्टैंड, हमारे जो प्राचीन काल में लोग समझ नहीं पाते थे, द कॉज ऑफ दिस स्पार्क, इनका कारण जो बिजली कड़कती थी, ये जो स्पार्क का कारण नहीं समझ पाते थे, देवर देयर फॉर अफ्रेड ऑफ लाइटनिंग, इस वजह से वो क्या डरते थे, ये बिजली कड़कते थे तो उससे डरते थे, एंड थॉट दैट द व्रॉथ ऑफ गॉड्स वाज विजिटिंग देम, ऊपर से नीचे जो बादल से नीचे धरती तक नीचे उतर रहे हैं उनको विजिट करने के लिए, उनको उनके से मिलने के लिए। नाउ ऑफ कोर्स वी अंडरस्टैंड दैट लाइटनिंग, अब हम समझ चुके हैं कि भाई जो लाइटनिंग बिजली कड़कना होता है वो एक कॉज होता है एक्यूमुलेशन ऑफ चार्जेस इन द क्लाउड्स, वो एक्यूमुलेशन मतलब होता है कलेक्शन मतलब इकट्ठा होना चार्जेस का इन द क्लाउड्स बादलों में। वी नीड नॉट बी अफ्रेड, हमें डरने की जरूरत नहीं है ऑफ लाइटनिंग, बिजली कड़कने से, जो बिजली कड़कते हैं उससे डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो चार्जेस होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव। व्हाट वी हैव टू टेक, हमें क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए, हमारे पास क्या होना जरूरी है, क्या लेना जरूरी है हमें, प्रिकॉशन, क्या सावधानी लेने की जरूरत है हमें, प्रिकॉशन माने सावधानी, टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम डेडली स्पार्क्स, इन खतरनाक जो बिजली कड़कती है इनसे बचने के लिए हमें क्या करना जरूरी है, तो वो चीज़ चलें समझेंगे। द स्पार्क दैट द ग्रीक्स न्यू अबाउट, प्राचीन भाषा थी ग्रीक्स की, मतलब पूरा एक देश था ग्रीक का, तो उनकी एक पूरी भाषा थी, वो सब ज़्यादा क्यूरियस रहते थे ग्रीक्स के लोग, यस, हर एक राज्य के, हर एक देश के लोग थे, उन्होंने कुछ ना कुछ अपनी अपना ग्रंथ लिखा था, अपनी एक भाषा लिखी थी, तो वो भाषा अब तक काम आ रही है,
वो भाषा अब तक काम आ रही है, क्योंकि हमने दोबारा इसको पढ़ना स्टार्ट किया, साइंस ने इसको दोबारा पढ़ना स्टार्ट किया, उसको समझना स्टार्ट किया, तब उससे हमें काफ़ी सारे नॉलेज मिलनी स्टार्ट करी हुई हमें, कि भाई पहले के लोग ऐसे होते थे, पहले के लोग ये समझते थे, उनकी मानसिकता ये थी, अब की मानसिकता ये है, अब हमें साइंस के बारे में बहुत चीज़ें मिलती है। तो हम पास्ट की चीज़ें देखते हैं कि वो क्या गलती कर रहे थे जो हमें नहीं करनी है। तो साइंस में हमें ये ज़रूरी होता है कि हम वो चीज़ें करें जो लोग गलती कर रहे थे। हम उस चीज़ एक पर्टिकुलर फील्ड में काम करेंगे तो हम क्या करते हैं, हम उस पर रिसर्च करते हैं, हम मास्टरी ढूंढते हैं उसमें, तरह तरह तरीके ढूंढते हैं हम। तो क्या बोल रहे हैं, द स्पार्क्स द एंशियंट ग्रीक्स न्यू एज अर्ली एज 600 BC मतलब होता है बिफोर क्रिश्चियन, दैट व्हेन एम्बर इज अ काइंड ऑफ रेजिन मतलब होता है किसमिस खाते हैं ना उसको बोलते हैं अम्बर, बोल रहा है कि अम्बर द एंशियंट ग्रीक्स न्यू एज अर्ली एज जो एंशियंट जानते थे कि जो ईसा मसीह के 600 साल पहले जन्म से ईसा मसीह अम्बर जानते थे, व्हेन अम्बर जो अम्बर होता है वाज रब्ड विद फर, यदि कोई अम्बर होता है जैसे कि एक जो किसमिस जैसा ही होता है वो भी अम्बर, उसको अगर फर मतलब होता है जो मोटी खाल होती है ना जानवरों की, मोटी खाल होती है या फिर ऊपर की जो जिसके ऊपर जो एकदम रेशम काफ़ी मुलायम होती है जानवरों की, उसको फर बोलते हैं, उसको अगर उससे रगड़ा जाए इट अट्रैक्ट लाइट ऑब्जेक्ट सच एज हेयर, तो वो क्या करते थे, अट्रैक्टेड करते थे लाइट को, जो लाइट ऑब्जेक्ट सच एज हेयर को, बालों को वो अट्रैक्ट करते थे, बालों को वो अपने तरफ मतलब खींचते थे, क्या करते थे वहाँ पर वो बाल खड़े हो जाते थे ना, देखते हो रगड़ते हो कोई चीज़ को तो वो दूसरी चीज़ उस चीज़ को खींचने स्टार्ट कर देती है। यू माइट हैव सीन दैट व्हेन यू टेक ऑफ वुलन ऑफ पॉलिएस्टर क्लॉथ योर हेयर स्टैंड्स ऑन एंड, आपने देखा होगा कि गर्मियों के टाइम पे या कभी भी किसी मौसम में आप कपड़े पहनते हो, कपड़े के बाद आप जब उसे उतारते हो तो वो दोबारा वापस शरीर से चिपकना स्टार्ट कर देता है। आप सर्दियों में ज़्यादातर आप कपड़े जो पॉलिएस्टर के कपड़े होते हैं या वुल के जो ऊन के कपड़े होते हैं जब आप उसे पहनते हो, या फिर रजाई के अंदर आप जो कंबल होता है आपका उसके ऊपर अगर अंदर आप हाथों को फेरते हो तो वहाँ पर स्पार्क दिखाई देते हैं आपको बहुत सारे, या फिर वो आपके हेयर वहाँ पर खड़े होने स्टार्ट हो जाते हैं वहाँ पर जहाँ पर आप बैठ जाते हो कपड़े पहनते हो, जब कपड़े को उतारते हो तो आपके जो वहाँ पर जो हेयर होता है ना वो हेयर उन कपड़ों के साथ क्या होता है चार्जेस हो जाते हैं, जो कपड़ा हो जाता है आपके हेयर के साथ चार्जेस हो जाते हैं, जिसके कारण आपके जो बाल होते हैं शरीर पे या कहीं पर शरीर पे बाल होते हैं वो खड़े होने स्टार्ट हो जाते हैं उसको फॉलो करते हुए। इफ़ यू टेक ऑफ दिस क्लॉथ इन द डार्क, यदि आप डार्क में कपड़े उतारते हो, यू इवन सी अ स्पार्क, आप स्पार्क देखोगे, आप अंधेरे में अगर उतारोगे कपड़ों को तो आप स्पार्क देखोगे उन कपड़ों में भी, या आप रजाई कंबलों में आप देखोगे, आप जब आप कंबलों में हाथों को रगड़ोगे तो आपको एक स्पार्क दिखाई देती है। हियर अ क्रैकलिंग साउंड, एक क्रैकलिंग चट 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 आवाज़ आती है। इन 1752 बेंजामिन फ्रैंकलिन, 1752 में बेंजामिन फ्रैंकलिन थे एक साइंटिस्ट जिन्होंने पतंग उड़ाकर सबसे पहले जो बिजली कड़की थी कड़कने के बाद उन्होंने पतंग के जरिए उन्होंने सबसे पहले करंट को पास करवाया था, जिन्होंने करंट का पता करा था सबसे पहले वो जो बिजली कड़की थी उसके बारे में। 1752 एन अमेरिकन साइंटिस्ट सॉल्व दैट लाइटिंग एंड द स्पार्क फ्रॉम योर क्लोथ आर एसेंशियली द सेम फेनोमेना, जो हमारे कपड़ों में से जो स्पार्क निकलती है और जो लाइटनिंग होती है बिजली कड़कती है वो सेम ही एक ही फेनोमेना है, वो किसने बताया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था। हाउएवर इट इज़ 2000, जबकि एक चीज़ 2000 साल हो गए फॉर दिस रियलाइजेशन टू होकर, 2000 साल बाद इस चीज़ का महसूस हुआ हमें कि ये जो कपड़े हम पहनते हैं इनके अंदर जो स्पार्क होता है और जो लाइटनिंग होती है ये दोनों एक ही चीज़ है, कोई डरने की जरूरत नहीं होती, इन चीज़ों से डरने की जरूरत नहीं है। आई वंडर, अब मुझे बोलता है आई वंडर वाई दे लुक टुक सो मैनी ईयर्स टू रियलाइज द सिमिलैरिटी, इसको ऐसा ये चीज़ महसूस होने में हमें इस सिमिलैरिटी को महसूस होने में हमें इतने साल क्यों लग गया, क्योंकि देखो कुछ कईयों का गलत मानना होता है। तो साइंटिफिक डिस्कवरीज, अब पहली बोलती है कि डिस्कवरीज आर ए रिजल्ट ऑफ हार्ड वर्क बाई मैनी पीपल, जो साइंटिफिक डिस्कवरीज होती है ना पता करना खोज करना वो कई आदमियों का कई लोगों का बहुत हार्ड वर्क होता है, बहुत मेहनत लगती है उसको सर्च करने में, इट कैन समटाइम्स टेक अ लॉन्ग टाइम, तो उसको सर्च करने में कई लंबे समय भी लग जाता है, कई लोग 2000 साल लग गए, देखो
ये महसूस होने में कि ये जो लाइटनिंग होती है वो नॉर्मल सेम ही फेनोमेना होता है जो हमारे कपड़े पहनते हैं। 2000 साल लग गए ना, तो जो साइंटिस्ट होते हैं उनकी ये बहुत हार्ड वर्क करते हैं, ये तो एक चीज़ के बारे में पता करने के लिए बहुत मेहनती होते हैं, इस वजह से तो हार्ड वर्क के ऊपर बेस करता है, ठीक है, डिपेंड करता है। वी शैल नाउ स्टडी सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। हम अब कुछ इलेक्ट्रिक चार्जेस की कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, जैसे पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है और एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक होता है पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव और एक पॉजिटिव। वी शैल आल्सो सी हाउ, हम देखेंगे कैसे कि दे आर रिलेटेड टू द लाइटनिंग इन द स्काई, कि कैसे वो रिलेटेड है स्काई में, जो आप बादलों में जो बिजली कड़कती है उससे कैसे रिलेटेड। लेट अस परफॉर्म, चलो पता करते हैं, परफॉर्म करते हैं एक्टिविटीज टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्जेस। इलेक्ट्रिक चार्जेस के नेचर को पता करने के लिए कुछ एक्टिविटी करेंगे। बट रिकॉल फर्स्ट व्हाट यू माइट हैव प्लेड एज अ गेम, आपने सबसे पहले कौन सा गेम खेला एज अ गेम। बट रिकॉल फर्स्ट व्हाट, पहले सबसे पहले आपको क्या करना है कि व्हाट यू माइट हैव प्लेड एज अ गेम, कि आपने क्या गेम खेला होगा। व्हेन यू रब प्लास्टिक स्केल इन योर ड्राई हेयर, सबसे पहले आपको गेम खेल के देखना है कि आपको क्या करना है, अपने सूखे बालों पर आपको प्लास्टिक रगड़ना है। द स्केल कैन अट्रैक्ट वेरी स्मॉल पीसेज ऑफ पेपर, कि अब क्या करना है उसको, अब वो स्केल है जो आपके पास जो अपने बालों में रगड़ा है उसको आप प्लास्टिक के जो प्लास्टिक के स्केल को आप अपने बालों पर रगड़ के आपको कागजों को जो कागज के टुकड़े होते हैं उनको अट्रैक्ट करके देखना है। चार्जिंग बाय रबिंग, रगड़ने से चार्ज करना किसी चीज़ को भी, जो प्लास्टिक है वो चार्ज हो जाएगा पॉजिटिव और नेगेटिव मर, उसके ऊपर चार्जेस दो प्रकार के आ जाएंगे, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। एक्टिविटी 15.1, एक्टिविटी 15.1 है टेक अस यूज्ड बॉल पेन रिफिल, अपने जो इस्तेमाल किया गया हुआ जो बॉल पेन है उसको यूज़ करना है रिफिल उसकी। एंड रब इट विगोरसली, ज़बरदस्त तरीके से उसे रगड़ना है विद ए पीस ऑफ पॉलीथीन, एक पॉलीथीन के टुकड़े से। ब्रिंग इट क्लोज टू स्मॉल, उसको लाना है किसके पास, टू ए स्मॉल पीस ऑफ पेपर, स्मॉल पीस ऑफ पेपर के पास लेके आना उसको। टेक केयर नॉट टू टच द रब्ड एंड ऑफ द रिफिल विद योर हैंड और विद अ मेटेलिक ऑब्जेक्ट, और ये ध्यान रखना है कि उसको क्या करना, टच नहीं करना आपको रब्ड एंड ऑफ द रिफिल विद योर, अपने हाथों से उसको उस रब्ड वाले जो जिसको रगड़ा है जिसको आपने उसको उस रबड़ घिसे हुए हिस्से को प्लास्टिक के साथ जो पॉलीथीन के साथ आपने रगड़ा है ना उसको उसको उस हिस्से को नहीं पकड़ना है आपने, टच नहीं करना बस, या फिर आपको किसी मेटल के साथ ऑब्जेक्ट के साथ टच नहीं करवाना, ध्यान रखना इस चीज़ का। रिपीट द एक्टिविटी विद स्मॉल पीस ऑफ ड्राई लीफ, अब यही एक्टिविटी आपको करनी है सूखी पत्तियों के साथ, या फिर हस्क बाल होते हैं जो टुकड़ा होता है उसको बोलते हैं मस्टर्ड सीड है, मस्टर्ड मतलब सरसों का बीज होता है वो। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, अपने ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करना है, सब में सबको रगड़ रगड़ के देखना है। व्हेन ए प्लास्टिक रिफिल इज रब्ड, यदि कोई प्लास्टिक रिफिल को घिसा जाता है विद अ पॉलीथीन के साथ, इट एक्वायर्स स्मॉल इलेक्ट्रिक चार्ज, उसमें छोटे से स्मॉल इलेक्ट्रिक चार्ज आ जाता है। सिमिलरली व्हेन ए प्लास्टिक कॉम्ब, उसी प्रकार से अगर कोई प्लास्टिक का कॉम्ब प्लास्टिक कंघा है उसको रगड़ा जाए किसी ड्राई सूखे बालों से, इट एक्वायर्स स्मॉल चार्ज, उसके ऊपर एक स्मॉल चार्ज जाएंगे। दिस ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड द चार्ज ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट चार्ज ऑब्जेक्ट कहलाएंगे। इन द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग द रिफिल एंड प्लास्टिक कॉम्ब, उसको जो कंघा है उसको अपने उसमें रगड़ा है जो आपने उसे, पॉलीथीन एंड हेयर आल्सो गेट चार्ज, जो पॉलीथीन और जो हेयर है उसको वो हमेशा वो भी चार्ज हो जाएंगे उसमें, ठीक है, बहुत ज़्यादा जरूरी। लेट्स ट्राई टू चार्ज सम अदर ऑब्जेक्ट्स दैट आर फैमिली टू यू, कि भाई और भी आपने क्या करना है कि भाई चार्ज है कोई दूसरी ऑब्जेक्ट को भी चार्ज करके देखना है जो फैमिलियर आपको जिसको पता जिसके बारे में आपको पता हो। अब बोलता है 15.2 में, 15.2 में क्या है, कलेक्ट द ऑब्जेक्ट्स, अपने क्या करना है, कलेक्ट द ऑब्जेक्ट्स, कलेक्ट ऑब्जेक्ट करना है। एंड द मटेरियल लिस्टेड इन टेबल 15.1, टेबल 15.1 में जो कलेक्ट किया गया है वो उनको, ट्राई टू रिचार्ज ईच, सबको चार्ज करके देखना है बाय रबिंग, रब करके विद मटेरियल्स, मटेरियल के साथ। मेंशन इन द टेबल, जो टेबल के अंदर मेंशन है। रिकॉर्ड योर फाइंडिंग्स, अपने अपने फाइंडिंग्स को रिकॉर्ड करना है उसको, क्या आपने क्या क्या महसूस पाया वहाँ पर। यू कैन ऐड मोर आइटम्स टू द टेबल, टेबल में और भी आइटम्स आपने ऐड करनी है, ठीक है। ऑब्जेक्ट रब्ड, रिफिल बैलून पॉलीथीन वुलन क्लॉथ, अट्रैक्ट डज नॉट अट्रैक्ट पीस ऑफ पेपर, चार्ज नॉट चार्ज।
अगर अट्रैक्ट करेगी तो चार्ज है, नहीं अट्रैक्ट कर रही तो नहीं चार्ज है। तो रिफिल को करना है तो पॉलीथीन के साथ और वुलन क्लॉथ के साथ, ठीक है। तो अट्रैक्ट करेगी नहीं करेगी, अट्रैक्ट करेगी पीस ऑफ पेपर को, करेगी अट्रैक्ट करके देखना ये, ठीक है। तो ये एक्टिविटी करने के लिए बैलून को करके देखना, वो भी करेगी। इरेजर, स्टील स्पून, स्टील चम्मच, जो स्टील की चम्मच है उसको करके देखना तो वो शायद नहीं होगी। टाइप्स ऑफ चार्ज, चार्जेस एंड देयर इंट्रैक्शन, चार्जेस कितने तरह के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। बार बार रिपीट करता हूँ मैं, बार बार हमेशा, चार्जेस दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। वी विल सेलेक्ट सम ऑब्जेक्ट फ्रॉम टेबल 15.1 फॉर द नेक्स्ट एक्टिविटी, कि हमने कुछ ऑब्जेक्ट लिए हैं जो टेबल में से 15.1 में से दूसरी एक्टिविटी के लिए। इन्फ्लेट टू बैलून्स, दो बैलून्स को फुलाना है। हैंग देम, उनको लटका देना है इस प्रकार से, डू नॉट टच ईच अदर, जो एक दूसरे को टच ना करें। रब बोथ द बैलून्स विद द वुलन क्लॉथ, उनको दोनों को वुलन क्लॉथ से रगड़ देना है। रिलीज देम, उन्हें छोड़ देना। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, उसमें आप क्या देखोगे। इस प्रकार से आप एक दूसरे को ढकेलेंगे। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अब ये दो प्रकार के, दोनों में एक ही जैसा चार्जेस आ गए तो ये आपस में क्या करेंगे, रिपेल, ढकेलेंगे एक दूसरे को। नाउ लेट अस रिपीट दिस एक्टिविटी, इसको रिपीट करना है इसी एक्टिविटी को। द यूज्ड पेन रिफिल्स, पेन की रिफिल को यूज़ करते हुए, रब वन रिफिल विद पॉलीथीन, और एक को क्या करना है, रिफिल को पॉलीथीन से करना है। प्लेस इट केयरफुली इन अ ग्लास टम्बलर, ग्लास टम्बलर जो ग्लास होता है शीशे ग्लास में डालना, यूजिंग टम्बलर एज ए स्टैंड, और टम्बलर को एक ऐसे स्टैंड के रूप में इस्तेमाल करना है शीशे ग्लास को। इस प्रकार से इंट्रैक्शन बिटवीन द चार्जेस, अब इस प्रकार से रिफिल है उसको रखना है, इस प्रकार से चार्जेस के बीच में जो इंट्रैक्शन हो रहा है वो बता रहा है इसके अंदर। रब द अदर रिफिल आल्सो विद पॉलीथीन, पॉलीथीन के साथ दूसरी, जो पॉलीथीन के साथ दूसरी रिफिल को भी रगड़ना है। ब्रिंग इट क्लोज टू द चार्ज रिफिल, उसके जो क्लोज चार्ज रिफिल थे उसके पास लाना है। बी केयरफुल नॉट टू टच द चार्ज एंड विद योर हैंड, जो चार्ज एंड जिसको आपने रगड़ा है ना उसको टच नहीं करना अपने हाथों से, इस चीज़ का ध्यान रखना। इज देयर एनी इफेक्ट ऑन द रिफिल इन द टम्बलर, क्या उसके ऊपर कोई प्रभाव पड़ा उस टम्बलर के अंदर जो रखी हुई रिफिल थी, मतलब ग्लास के ऊपर, शीशे ग्लास के अंदर जो रिफिल रखी थी, उसमें कोई प्रभाव पड़ेगा। डू द टू अट्रैक्ट ईच अदर और रिपेल ईच अदर, कि उसमें से वो दोनों आपस में अट्रैक्ट करेगी या फिर रिपेल करेगी, वो आपको एक्सपेरिमेंट करके देखना पड़ेगा, ठीक है। इन दिस एक्टिविटी वी हैव ब्रॉट क्लोज टुगेदर द चार्ज्ड ऑब्जेक्ट दैट वर मेड ऑफ द सेम मटेरियल, जो सेम मटेरियल ऑब्जेक्ट के बने होते हैं वो, कि इनको एक अगर पास लेकर आए हम तो व्हाट हैपेंस इफ टू चार्जेस ऑब्जेक्ट मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स आर ब्रॉट क्लोज टू इच अदर। देखो जब एक ही सेम मटेरियल के जब दो सब्सटेंस होते हैं हमेशा वो रिपेल करते हैं, क्या करते हैं वो रिपेल, अगर एक ही मटेरियल है वो, एक ही मटेरियल से बने हुए, मिलके बने हुए हैं और उनको एक ही चीज़ से, एक ही जैसे पॉलीथीन से ही रगड़ के उनको चार्ज किया जाए तो वो रिपेल करेंगे, और अगर डिफरेंट किए हों, डिफरेंट से बने हों रिपेल, क्यों, क्योंकि सेम चार्जेस ही तो आएंगे उसके ऊपर। मान लो अगर पॉजिटिव एक पे है तो दूसरे पे भी तो पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि सेम ही मटेरियल है, मटेरियल सेम है तो चार्ज भी सेम ही आएंगे ना उस पर, कोई अलग अलग तो आएंगे नहीं। तो अब बोल रहे हैं कि यहाँ पर अगर डिफरेंट मटेरियल्स होंगे तो क्या होगा, तो एक मटेरियल्स पर नेगेटिव आएगा, एक पर पॉजिटिव आएगा, तो अट्रैक्ट होता। रब ए फील दैट, प्लेस इट जेंटली इन अ ग्लास टम्बलर एज बिफोर, कि आपने एक दोबारे एक रिफिल को रब करना है और उसको शीशे ग्लास में रख देना है। ब्रिंग एन इन्फ्लेटेड चार्ज्ड बैलून नियर द रिफिल ऑब्जर्व एंड ऑब्जर्व, अब बैलून लाना है एक रिफिल के पास। अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, अब यहाँ बोल रहा है कि जो अनलाइक चार्जेस, जो एक जैसे चार्जेस, एक पे पॉजिटिव आ जाएगा बैलून पे पॉजिटिव और एक पे नेगेटिव, ठीक है, एक पे पॉजिटिव मान लेते हैं और एक पे नेगेटिव मान लेते हैं, दोनों क्या होंगे अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को, अपनी तरफ खींचेंगे। तो अनलाइक चार्जेस, अनलाइक मतलब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, लाइक नहीं है, अनलाइक है, अलग अलग है, मतलब अनलाइक है। अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, अनलाइक चार्जेस हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। लेट्स समराइज द ऑब्जर्वेशंस, चलो ऑब्जर्वेशन को, इसको समराइज करता हूँ मैं, ऑब्जर्वेशन क्या क्या हमने पढ़ा है। चार्ज बैलून रिपेल ए चार्ज बैलून, के जो चार्ज बैलून को रिपेल करेगा। ए चार्ज रिफिल रिपेल्ड ए चार्ज रिफिल, चार्ज रिफिल देखो सेम है, देखो सेम मटेरियल है तो सेम मटेरियल हमेशा सेम चार्जेस एक्वायर करेंगे, और एक्वायर अगर सेम चार्जेस करेंगे तो वो आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे, क्लियर है। बट ए चार्ज बैलून अट्रैक्ट ए चार्ज रिफिल, लेकिन जो मटेरियल क्या होगा डिफरेंट हो गया तो इसलिए वो क्या होगा अट्रैक्ट करेगा, मटेरियल डिफरेंट हो गया तो वो क्या करेंगे अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। डज इट इंडिकेट दैट द चार्ज ऑन द बैलून इज ऑफ ए डिफरेंट काइंड ऑफ फ्रॉम द चार्ज ऑन द रिफिल, यस
यस होगा आंसर। कैन वी से देन देयर आर टू काइंड्स ऑफ, क्या हम ये कह सकते हैं कि दो प्रकार के चार्जेस होते हैं? यस कह सकते हैं, पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है। कैन वी ऑल्सो से दैट द चार्जेस ऑफ द सेम काइंड रिपेल ईच अदर, यस कि सेम काइंड के चार्जेस होते हैं वो रिपेल करते हैं एक दूसरे को। वाइल चार्जेस ऑफ डिफरेंट काइंड अट्रैक्ट ईच अदर, यस कि डिफरेंट चार्जेस होते हैं जो पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इट इज़ ए कन्वेंशन टू कॉल द चार्ज एक्वायर्ड बाई ए ग्लास रोड वैन इट इज़ रब्ड विद द सिल्क एंड एज पॉजिटिव। जो पॉजिटिव अगर ग्लास को हम कोई भी चार्ज किसी को भी हम अगर मान लो ग्लास रोड है उसको हम सिल्क से, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी ग्लास रोड है उसको अगर हम सिल्क से रेशम के कपड़े से रगड़ दे तो ग्लास रोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। द अदर काइंड ऑफ चार्ज इज सेड टू बी द नेगेटिव, और जो बाकी जो दूसरे प्रकार का चार्ज है वो दूसरा चार्ज होगा, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा। दूसरे प्रकार का चार्ज होगा नेगेटिव और पहले प्रकार का होगा पॉजिटिव और दूसरे प्रकार का होगा नेगेटिव। मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव दो प्रकार के चार्जेस होते हैं, यस और नो, दो प्रकार के होते हैं, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। क्लियर है? इट इज़ ऑब्जर्व दैट, ये ऑब्जर्व किया जाता है दैट व्हेन ए चार्ज ग्लास रोड इज ब्रॉट नियर ए चार्ज प्लास्टिक स्ट्रॉ रब्ड विद ए पॉलीथीन देयर इज अट्रैक्शन बिटवीन द टू। क्योंकि देखो रोड है, ग्लास रोड है, तो उस पर क्या था, उन्हें पड़ा था पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि सिल्क से रगड़ने के बाद उस पर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। ग्लास रोड मतलब शीशे का जो रोड है, शीशे की रोड है, रोड शीशे की, जो शीशे की एक रोड होती है उसको बोल रहे हैं यहाँ पर। उसको हमने सिल्क से रगड़ा तो उस पर पॉजिटिव चार्ज हो गया, और जो रिफिल है उस पर नेगेटिव चार्ज आ गया, क्योंकि उस पर हमने पॉलीथीन से रगड़ा था, क्योंकि प्लास्टिक के ऊपर हमेशा नेगेटिव चार्ज आता है और जो ग्लास रोड है उसके ऊपर पॉजिटिव। वट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हो, अब वुड बी द काइंड ऑफ चार्ज इन द प्लास्टिक स्ट्रॉ, जो प्लास्टिक स्ट्रॉ पे क्या, कौन सा चार्ज होना जरूरी था, प्लास्टिक जो प्लास्टिक की स्ट्रॉ थी उसके ऊपर कौन सा चार्ज होना जरूरी है, किस प्रकार का चार्ज होना जरूरी है। योर गैस दैट द प्लास्टिक स्ट्रॉ वुड कैरी ए नेगेटिव चार्ज इज करेक्ट। यदि आपने कोई गैस किया है, कोई चीज़ गैस की है दैट कि जो प्लास्टिक का स्ट्रॉ है वो नेगेटिव चार्ज करती है अगर, तो ये करेक्ट सही है ये चीज़। अगर आपने ये गैस किया है कि जो प्लास्टिक है, प्लास्टिक के जो स्ट्रॉ है उसके ऊपर नेगेटिव है, तो सही है, आपने सही किया ना, मैंने सही बताया आपको, समझ में आ रहा है ना। जो ग्लास रोड है, शीशे की जो रोड है उसके ऊपर पॉजिटिव, और जो स्ट्रॉ है उसके पास नेगेटिव चार्ज है। द इलेक्ट्रिकल चार्ज जनरेटेड बाई रबिंग आर स्टैटिक, स्टैटिक मतलब होता है स्थिर एक जगह। जो इलेक्ट्रिकल चार्जेस जो हमने इन सभी के ऊपर किया है वो एक जगह पर रहने वाले चार्जेस हैं। दे डू नॉट मूव बाई देमसेल्व्स, ये अपने आप ही नहीं मूव करते, ऐसे चार्जेस जो एक ही जगह रहते हैं। वैन चार्जेस मूव, यदि कोई चार्जेस मूव करता है, यदि कोई चार्जेस, याद रखना कभी भी कोई चार्जेस अगर मूव करता है तो वो करंट बनाता है अगर कोई भी चार्जेस मूव करते हैं तो। दे कंस्टिट्यूट एन इलेक्ट्रिक करंट, यदि कोई चार्जेस मूव करता है तो वो क्या बनाएगा, इलेक्ट्रिक करंट बनाएगा। यू हैव बीन रीडिंग अबाउट इलेक्ट्रिक करंट सिंस क्लास सिक्स, आपने सिक्स क्लास से पढ़ा होगा। द करंट इन ए सर्किट विच मेक्स अ बल्ब ग्लो, यदि कोई सर्किट करंट सर्किट बनाता है जिसके कारण कोई भी बल्ब जो बल्ब जचता है, और द करंट दैट मेक्स अ वायर हॉट, जो करंट के वजह से ही गर्म जो तार हो जाता है वो गर्म हो जाता है, इज़ नथिंग बट एन इमोशन ऑफ चार्जेस। अब जो गर्म तार हो रहा है या कोई बल्ब चस रहा है या फिर कोई करंट बह रहा है सर्किट में से, क्या हो रहा है, बल्ब चस रहा है, तो वो सब क्या, कुछ नहीं है, वो क्या मोशन है चार्जेस का मोशन है। मोशन मतलब गति में आना, एक जगह से दूसरी जगह जो चार्जेस चल के जाते हैं तो करंट बनाते हैं, करंट के बनने के कारण ही बल्ब चसता है बल्ब चसने के साथ, और जो गर्म तार जब गर्म हो जाता है तो वो भी क्या है, मोशन ऑफ चार्जेस की वजह से है। ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज, चार्ज का ट्रांसफ़र होना। एक्टिविटी 15.4 यहाँ पर कि टेक एन एम्प्टी जैम बॉटल, अपने खाली जैम बॉटल की जो जैम होता है ना उसकी बॉटल रखनी है। टेक अ पीस ऑफ कार्डबोर्ड स्लाइटली बिगर इन अ साइज देन द माउथ ऑफ द बॉटल, आपने क्या करनी है, एक कार्डबोर्ड लेना है जो कि बड़ा होगा, किससे, बॉटल के जो मुंह है उससे बड़ा होगा कार्डबोर्ड, फिर उसमें छेद करना है, एक होल छोटा सा छेद करना है अपने, इन इट सो दैट ए मेटल पेपर क्लिप कैन बी इंसर्टेड, एक मेटल की क्लिप जो क्लिप होती है उसको डाल दिया जाए उस छेद के जरिए। ओपन आउट द पेपर क्लिप एज शोन इन फिगर 15.4, इस प्रकार से ये दो क्लिप लगानी है इस प्रकार से, ये वाली, ठीक है। सिंपल इलेक्ट्रोस्कोप बता रहा है, सिंपल जो करंट को मेजर करने के लिए बताता है, कि चार्जेस को मेजर करने के लिए बताता है इलेक्ट्रोस्कोप। चलो देखते पढ़ के, ठीक है।
ओपन आउट द पेपर क्लिप एज शोन इन फिगर 15.4, कट टू स्ट्रिप्स ऑफ एल्यूमिनियम फॉइल अबाउट 4 cm × 1 cm ईच। अपने इस हिस्से में इतने ये मेजरमेंट के बेस पे अपने उसको कट करना है। हैंग देम ऑन द पेपर क्लिप एज शोन, अपने इसको लटका देना है। इंसर्ट द पेपर क्लिप इन द कार्डबोर्ड लीड सो दैट इट इज़ परपेंडिकुलर टू इट, चार्ज इट टू रिफिल एंड टच इट, रिफिल को आपको चार्ज कर देना है इस प्रकार से, टच कर देना है इसके ऊपर, रिफिल है ये पेन की रिफिल है, इसको टच कर देना है एल्यूमिनियम जो कि इस प्रकार से है वायर विद द एंड ऑफ द पेपर क्लिप, पेपर क्लिप के ऊपर टच करना है। ऑब्जर्व व्हाट हैपन्स, इज देयर एनी इफेक्ट ऑन द फॉइल स्ट्रिप्स, जो एल्यूमिनियम फॉइल स्ट्रिप के ऊपर कोई प्रभाव पड़ा या नहीं पड़ा। सो दे रिपेल ईच अदर और अट्रैक्ट ईच अदर, रिपेल ईच अदर करेंगे, देखो सेम मटेरियल तो रिपेल करेंगे क्योंकि सेम चार्जेस आएंगे उसके ऊपर का सेम मटेरियल। नाउ टच ईच अदर, टच अदर चार्जेड कि भाई नाउ अब जो इस टाइम पर जो टच अदर चार्ज बॉडीज विद द एंड ऑफ द पेपर क्लिप, डू फॉइल स्ट्रिप्स बिहेव इन द सेम वे इन ऑल केसेस, ये बोल रहा है अब दूसरी कोई भी दूसरी चार्ज बॉडीज के ऊपर लगानी है, पेपर क्लिप के ऊपर लगानी है, पेपर क्लिप के ऊपर रखनी है तो क्या सेम ही बिहेव कर रहे हैं वो? हाँ सेम ही करेंगे ना। कैन दिस अपैरेटस बी यूज टू डिटेक्ट वेदर अ बॉडी इज चार्ज और नॉट, अगर हम इस अपैरेटस को हम इसलिए यूज़ कर सकते हैं कि कोई भी बॉडी चार्ज है या नहीं है, ऑफकोर्स कर सकते हैं। कैन यू एक्सप्लेन वाई द फॉइल स्ट्रिप्स रिपेल टू ईच अदर, क्योंकि वो सेम मटेरियल के बने हुए थे फॉइल, एलुमिनियम फॉइल सेम ही तो होगी, एलुमिनियम की तो बनी होगी तो सेम ही चार्ज आएंगे। अगर मान लो नेगेटिव है तो नेगेटिव तो रिपेल करेंगे ना, और पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रिपेल करेंगे। ए सिंपल इलेक्ट्रोस्कोप चार्जेस को मेजर करने के लिए काम आता है इलेक्ट्रोस्कोप, कौन सी चार्ज बॉडी है कौन सी नहीं है। द एल्यूमिनियम फॉइल स्ट्रिप्स रिसीव द सम चार्जेस फ्रॉम द चार्ज रिफिल थ्रू द पेपर क्लिप, रिमेंबर दैट द मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, याद रखना कि मेटल्स होते हैं वो हमेशा गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। द स्ट्रिप्स कैरिंग सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड दे बिकम वाइड ओपन, और वाइड ओपन मतलब चौड़े हो जाते हैं, वो क्लिप होती है जो एल्यूमिनियम फॉइल है वो वाइड ओपन क्योंकि उनमें सेम चार्जेस है। सच अ डिवाइस कैन बी यूज टू टेस्ट वेदर एन ऑब्जेक्ट इज कैरिंग चार्ज और नॉट, ऐसे ऑब्जेक्ट को जो चार्ज कर जो पता करने में काम आता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट चार्ज है या नहीं है, तो ऐसे को बोलते हैं हम इलेक्ट्रोस्कोप। थस वी फाइंड, इसलिए हम पता करते हैं दैट इलेक्ट्रिकल चार्जेस कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम अ चार्ज ऑब्जेक्ट टू अनदर थ्रू ए मेटल कंडक्शन, कि इसी वजह से जो इलेक्ट्रिकल चार्जेस होते हैं वो ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं। ऐसे ही चार्ज को हम इन्हीं चार्जेस को हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक चार्ज बॉडी से दूसरी चार्ज बॉडी तक, दूसरी बॉडी तक एक मेटल कंडक्टर से, कोई मेटल कंडक्टर जैसा एल्यूमिनियम का मेटल कंडक्टर है कंडक्ट कर लेता है इलेक्ट्रिसिटी, चार्जेस को कंडक्ट कर लेता है। टच द एंड ऑफ द पेपर क्लिप, अपने जो पेपर क्लिप की एंड को टच करना है विद हैंड अपने हाथों से, यू विल फाइंड चेंज फॉइल स्ट्रिप्स, यस देखेंगे ना उसमें अब चार्ज खत्म हो जाएगा, स्ट्रिप न्यूट्रल हो जाएगा, दे कम बैक टू देयर ओरिजिनल स्टेट, वो वापस ही ओरिजिनल स्टेट में आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो न्यूट्रल हो गए अब, क्योंकि वो चार्जेस हमारे बॉडी के द्वारा हमारे बॉडी में आ गए ना, अब हमारे बॉडी के द्वारा वो धरती में मिल गए। रिपीट द चार्जिंग ऑफ फॉइल स्ट्रिप्स एंड टचिंग द पेपर क्लिप, एवरी टाइम यू फाइंड दैट द फॉइल स्ट्रिप्स कोलैप्स एज सून एज यू टच द पेपर क्लिप विद हैंड, अपने हाथों से जितनी बार आप टच करोगे वो वापस वैसे ही न्यूट्रलाइज हो जाएगी। वाई डज इट हैपन, ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि चार्जेस आपकी बॉडी में चले जाते हैं, वो हमें इतना कम होता है क्योंकि हमें महसूस भी नहीं होता इस ऊपर से, या हम उसको कहते हैं अर्थिंग बोलते हैं, मतलब क्या होता है हमारे हाथों के द्वारा वो चार्जेस धरती के अंदर चले गए, डिस्चार्ज हो गई वो बॉडी, हमारे हाथों के द्वारा वो धरती में मिल गई, वो चार्जेस कहाँ चले गए? धरती में हमारे हाथों के द्वारा। द रीज़न इज दैट द फॉइल स्ट्रिप्स लॉस चार्ज टू द अर्थ थ्रू योर बॉडी, कि वो अपने उस जो बॉडी ने उस जो एल्यूमिनियम फॉइल ने अपने चार्जेस खो दिए आपके, कैसे खो दिए कि वो आपके हाथों से आपके बॉडी के द्वारा अर्थ में पृथ्वी में जाके मिल गए, कारण वो चार्जेस गायब हो गए हमारे द्वारा क्योंकि हमने उसको टच किया और हमारे द्वारा हमारी बॉडी से होकर वो धरती में चले गए वो चार्जेस। वी सी दैट द फॉइल स्ट्रिप्स आर डिस्चार्ज, हम कह सकते हैं जो फॉइल स्ट्रिप है वो डिस्चार्ज हो चुकी है। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ चार्ज फ्रॉम चार्ज ऑब्जेक्ट टू द अर्थ इज कॉल्ड अर्थिंग।
the best ever too. And the wonderful. Gaurav Convent School, the Digital School, Bhiwadi, Sunehre Bhavishy ke liye. The best you lend, they walk. Keep all our content to the best you lend.